बाइबल हिंदी स्टोरी वचन चैनल में आपका स्वागत, आपका वेलकम करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले, आमीन। आज का वचन, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, आमीन। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज का लोड। पिछली कहानी में आपने देखा कि याकूब अपने मामा लाबान के पास रह रहा था। वहाँ उसको रहते हुए 20 वर्ष के लगभग बीत चुके थे। बाइबल की किताब उत्पत्ति के अनुसार याकूब, जिसे बाद में इज़राइल कहा जाता था, इसहाक और रिबका का दूसरा पुत्र, जो एसाव का छोटा जुड़वा भाई, अब्राहम और सारा का पोता था। बाइबल के अनुसार उन्हें परमेश्वर द्वारा इजरायली राष्ट्र के कुलपति के रूप में चुना गया था। इस कहानी को समझने से पहले आपको पिछली कहानियों को समझना आवश्यक है, ताकि सभी का क्रमशः बना रहे और आपकी बाइबल अध्ययन भी होता रहे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। कैसे याकूब एक स्वर्ग दूत के साथ लड़ता है और उससे आशीर्वाद प्राप्त करता है, आमीन। हालेलुया। याकूब को हारान में रहते हुए दो पत्नियां थीं, जिनका नाम लिया और राहेल था, जो दोनों सगी बहनें और लाबान की बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। याकूब राहेल से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उनकी दो दासियां बिल्हा और जिल्पा भी थी, जिनसे उन्हें 13 बच्चे हुए, आमीन। आखिरकार कई वर्ष बांझ रहने के पश्चात परमेश्वर ने राहेल की हालत पर ध्यान दिया। उसने राहेल की प्रार्थना सुन ली और उसकी कोख खोल दी। वह गर्भवती हुई और उसका एक बेटा हुआ। तब उसने कहा, देखो, परमेश्वर ने मेरी बदनामी दूर कर दी, इसलिए राहेल ने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के 6 पुत्र ये थे, याकूब का जेठा पुत्र रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून, और राहेल के 2 पुत्र ये थे, यूसुफ और बिन्यामीन। राहेल की दासी बिल्हा के 2 पुत्र ये थे, दान और नप्ताली। लिया की दासी जिल्पा के 2 पुत्र ये थे, पहला गाद, दूसरा आशेर। याकूब के ये 12 पुत्र जो उसे हारान में उत्पन्न हुए थे, जो आगे चलकर 12 गोत्र और 12 राष्ट्र के रूप में माने गए। जब राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया, उसके कुछ ही समय बाद याकूब ने लाबान से कहा, अब मैं तुझसे विदा लेना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने घर और अपने देश लौट जाऊं। मुझे मेरी पत्नियां और मेरे बच्चे दे दे, जिनके लिए मैंने तेरे यहाँ काम किया। तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। तब लाबान ने उससे कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू मत जा, मेरे साथ ही रह। मैंने शकुन विचार कर जाना है कि तेरी वजह से ही यहोवा परमेश्वर मुझे इतनी आशीषें दे रहा है। उसने याकूब से यह भी कहा, तू मजदूरी में जो भी मांगेगा, मैं देने को तैयार हूँ। याकूब ने उससे कहा, तू जानता है कि तेरे यहाँ सेवा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने तेरी भेड़ बकरियों की कितनी अच्छी देखभाल करी। मेरे आने से पहले तेरे पास बहुत कम जानवर थे, मगर जब से मैं आया, परमेश्वर ने तुझे कितनी आशीषें दी। तेरी भेड़ बकरियों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती गई। अब अगर सारी जिंदगी मैं तेरी सेवा करता रहा, तो अपने परिवार के बारे में कब सोचूंगा। तब लाबान ने उससे कहा, बता मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस तू मेरी एक बात मान ले, तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराने और उनकी हिफाजत करने का काम करता रहूंगा। आज हम दोनों जाकर तेरे पूरे झुंड का मुआयना करते हैं,
फिर तू अपने झुंड में से धब्बेदार और चितकबरी भेड़ों को, गहरे भूरे रंग के मेड़ों को, धब्बेदार चितकबरी बकरियों को अलग कर लेना। आगे चलकर जो भी धब्बेदार चितकबरे और गहरे भूरे रंग के बच्चे पैदा होंगे, सिर्फ उन्हीं को मैं मजदूरी में लूंगा, प्रभु के लोगों। इस प्रकार से दोनों के बीच संधि हो जाती है। परंतु कुछ समय पश्चात लाबान के हिस्से में कमजोर भेड़ बकरियां आती हैं, जबकि याकूब की भेड़ बकरियां मोटी ताजी होती। कुछ समय के बाद याकूब बहुत अमीर हो गया। उसके पास बहुत से दास दासियां, भेड़ और बकरियां, ऊंट और गधे हो गए। कई दिनों बाद याकूब ने सुना कि लाबान के बेटे उसके बारे में कह रहे हैं, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ हड़प लिया है। हमारे पिता की जायदाद से ही उसने इतनी दौलत बटोरी है। और याकूब ने लाबान के चेहरे से भांप लिया। वह पहले जैसा नहीं रहा। वह उसके साथ रूखा व्यवहार कर रहा है। आखिरकार एक दिन परमेश्वर ने याकूब से कहा, तू अपने पुरखों और रिश्तेदारों के देश लौट जा, मैं आगे भी तेरे साथ रहूंगा। फिर याकूब ने राहेल और लिया को खबर भेजकर उनको मैदान में बुलवाया, जहां वह अपनी भेड़ बकरियों की देखरेख कर रहा था। फिर उसने उन दोनों से कहा, मैं देख रहा हूं, आजकल तुम्हारा पिता मुझसे रूखा व्यवहार कर रहा है, मगर मेरे पिता के परमेश्वर ने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो मैंने कैसे खून पसीना एक करके तुम्हारे पिता की सेवा की। फिर भी तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की। उसने एक बार नहीं, 10 बार मेरी मजदूरी बदली, मगर परमेश्वर ने उसे मेरा कुछ भी नुकसान नहीं करने दिया। जब तुम्हारा पिता मुझसे कहता, तेरी मजदूरी धब्बेदार भेड़ और बकरियां होंगी, तो पूरा झुंड धब्बेदार बच्चे पैदा करता। और जब वह कहता, अब से तेरी मजदूरी धारीदार भेड़ और बकरियां हुआ करेगी, तो पूरा झुंड धारीदार बच्चे पैदा करता। मेरी इस कामयाबी में परमेश्वर का हाथ है। वह मानो तुम्हारे पिता के झुंड से भेड़ बकरियां लेकर मेरे झुंड में मिलाता रहा। तो मैंने सपने में देखा, तब सच्चे परमेश्वर के स्वर्ग दूत ने सपने में मुझे पुकारा, याकूब, और मैंने जवाब दिया, हाँ प्रभु, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाबान तेरे साथ जो सलूक कर रहा है वह सब मैंने देखा है। मैं सच्चा परमेश्वर हूँ जो बेतेल में तेरे सामने प्रकट हुआ था, जहाँ तूने यादगार के लिए एक पत्थर खड़ा करके उसका अभिषेक किया था और मुझसे एक मन्नत मानी थी। अब उठ और यह देश छोड़कर अपने देश लौट जा, जहाँ तू पैदा हुआ था। याकूब की ये बातें सुनकर राहेल और लिया ने जवाब में उससे कहा, हमें नहीं लगता कि हमारा पिता हमें विरासत का कुछ हिस्सा देगा। देखा नहीं उसने हमारे साथ कैसे गैरों जैसा व्यवहार किया, अपने ही हाथों हमें बेच दिया, हमारे लिए दी गई रकम भी खा रहा है। इसलिए वह सारी दौलत जो परमेश्वर ने हमारे पिता से लेकर तुझे दी है, उस पर हमारा और हमारे बच्चों का ही हक बनता है। अब तू वही कर जो परमेश्वर ने तुझसे कहा है। तब याकूब वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। उसने अपने बच्चों और पत्नियों को ऊंटों पर चढ़ाया और अपना सब कुछ समेटा जो उसने पद्दन अराम में रहते हासिल किया था, अपने जानवरों का झुंड और अपना सारा सामान। यह सब लेकर वह अपने पिता इसहाक के पास कनान देश के लिए निकल पड़ा। आमीन, हालेलुया। उस समय लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने गया हुआ था। इसी बीच राहेल ने कुल देवताओं की मूर्तें चुरा ली जो उसके पिता की थी। याकूब ने होशियारी से काम लिया, अरामी लाबान को बिना कुछ बताए वहां से निकल गया। वह अपना सब कुछ लेकर वहां से भाग निकला, महानदी के पार चला गया।
वहाँ से वह गिलाद के पहाड़ी प्रदेश की तरफ जाने लगा। याकूब के निकलने के तीसरे दिन लाबान को बताया गया कि याकूब भाग गया है। यह सुनते ही लाबान अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर याकूब का पीछा करने निकल पड़ा। 7 दिन बाद आखिरकार लाबान गिलाद के पहाड़ी प्रदेश में उस जगह पहुंच गया जहां याकूब था, परंतु परमेश्वर ने अरामी लाबान से रात को सपने में कहा, खबरदार, जो तूने याकूब को कुछ भला बुरा कहा। याकूब अपना तंबू गिलाद के पहाड़ी प्रदेश में गाड़े हुए था, और जब लाबान अपने भाई बंधुओं के साथ वहां पहुंचा तो उसने भी उसी इलाके में डेरा डाला। लाबान ने याकूब के पास जाकर उससे कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मेरे साथ यह चाल क्यों चली? मुझे धोखा देकर मेरी बेटियों को ऐसे उठा लाया जैसे कोई तलवार के दम पर बंदियों को उठा ले जाता है। तू मुझे चकमा देकर ऐसे चुपचाप क्यों भाग आया? अगर तू बताता तो मैं तुझे धूमधाम से विदा करता, डफली और सुरमंडल बजवाता, नाच गाने के साथ तुझे खुशी खुशी विदा करता, मगर तूने मुझे अपनी बेटियों और नाती नातिनों को चूम कर विदा करने का मौका नहीं दिया। तूने यह कैसी मूर्खता की? मेरे पास इतनी ताकत है, मैं तुम लोगों का कुछ भी कर सकता हूँ, मगर कल रात तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे सपने में कहा, खबरदार, जो तूने याकूब को कुछ भला बुरा कहा, मैं मानता हूँ तू शायद इसलिए चला आया क्योंकि तू अपने पिता के घर लौटने के लिए बेताब था। लेकिन यह बता, जाते जाते तूने मेरे देवताओं की चोरी क्यों की? याकूब ने जवाब में लाबान से कहा, मैं तुझे बताए बगैर इसलिए निकल आया क्योंकि मुझे डर था तू अपनी बेटियों को मुझसे जबरदस्ती छीन लेगा। और जहाँ तक तेरे देवताओं की बात है, अगर वे हम में से किसी के पास पाए गए तो उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तू हमारे भाइयों के सामने मेरे पूरे सामान की तलाशी ले ले, अगर तुझे तेरी चीज मिल जाए तो ले लेना। याकूब नहीं जानता था राहेल देवताओं की वे मूर्तें चुरा लाई थी। तब लाबान ने याकूब के तंबू, लिया के तंबू और दोनों दासियों के तंबू में जाकर तलाशी ली, मगर उसे मूर्तें नहीं मिली। फिर वह लिया के तंबू से निकलकर राहेल के तंबू में गया। इस दौरान राहेल ने वे मूर्तें ली, उनको ऊंट की काठी पर रखी जाने वाली औरतों की टोकरी में छिपा दी, खुद टोकरी पर बैठ गई। लाबान ने राहेल का पूरा तंबू छान मारा, मगर उसे मूर्तों का कहीं पता न चला। तब राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, मुझ पर भड़क मत जाना, मैं उठ नहीं सकती क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। लाबान ने वहाँ बहुत ढूंढा, मगर उसे कुल देवताओं की मूर्तें नहीं मिली। तब याकूब को लाबान पर बहुत गुस्सा आया, वह लाबान को झिड़कने लगा। उसने लाबान से कहा, आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो तू हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है? तूने मेरे सारे सामान की तलाशी ली, बता क्या तुझे एक भी ऐसी चीज मिली जो तेरी हो? अगर मिली तो यहाँ मेरे भाई बंधुओं और अपने भाई बंधुओं के सामने लाकर रख, फिर ये ही हम दोनों का फैसला करेंगे। मैंने तेरे यहाँ पिछले 20 साल काम किया, इस दौरान न तेरी किसी भेड़ या बकरी का गर्भ गिरा, न ही मैंने कभी तेरे भेड़ बकरी को मारकर खाया। अगर कोई जंगली जानवर तेरी किसी भेड़ या बकरी को मार डालता तो मैं कभी उसका सबूत तेरे पास लाकर यह नहीं कहता था कि इस नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके बजाय मैं खुद उसका नुकसान उठाता था, और अगर दिन या रात को किसी जानवर की चोरी हो जाती तू मुझसे उसकी भरपाई की मांग करता था। मैंने तेरे झुंड की देखभाल करने में क्या क्या नहीं सहा।
दिन की चिलचिलाती धूप, रात की कड़ाके की ठंड और कभी कभी तो मैं सारी रात जागता रहा। इस तरह तेरी सेवा में मेरे 20 साल गुजर गए, 14 साल तेरी बेटियों के लिए, 6 साल तेरे इन जानवरों के लिए, और इस सब के बदले तूने मुझे क्या दिया, सिवाय इसके कि तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदली। मगर धन्यवाद है उस परमेश्वर का जो मेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर है, जिसका डर मेरा पिता इसहाक भी मानता है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। अगर वह न होता तो तू मुझे अपने घर से छूछे हाथ ही भेज देता। परमेश्वर ने देखा है मैंने क्या क्या दुख झेले, किस तरह अपने हाथों से कड़ी मेहनत की, इसीलिए उसने कल रात तुझे फटकारा। तब लाबान ने याकूब से कहा, इसलिए अब आ, हम दोनों शांति का करार करें, यह करार हम दोनों के बीच गवाह ठहरेगा। फिर याकूब ने एक पत्थर लिया, उसे खड़ा किया, वह उस करार की निशानी हो। अगली सुबह लाबान जल्दी उठा, उसने अपनी बेटियों और नाती नातिनों को चूमा, उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर लाबान वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। याकूब अपने सफर में आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे परमेश्वर के स्वर्ग दूत मिले। जैसे ही याकूब ने उन्हें देखा, उसने कहा, यह परमेश्वर की छावनी है, इसलिए उसने उस जगह का नाम महनैम रखा। फिर याकूब ने अपने आगे कुछ दासों को अपने भाई एसाव के पास भेजा, जो सेईर यानी एदोम के इलाके में रहता था। उसने अपने दासों को यह आज्ञा दी, तुम मेरे मालिक एसाव से कहना, तेरे दास याकूब ने तुझे यह संदेश भेजा है। मैं एक लंबे समय तक लाबान के यहाँ था, और वहाँ रहते वक्त मैंने बहुत धन दौलत कमाए। मेरे पास बहुत से दास दासियाँ, बैल, ऊंट और भेड़े हैं। मेरे मालिक, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, और यह खबर तुझे इसलिए दे रहा हूँ ताकि तू मुझ पर कृपा करे। कुछ समय बाद याकूब के दासों ने लौटकर उससे कहा, हम तेरे भाई एसाव से मिल आए हैं, वह भी तुझसे मिलने आ रहा है, उसके साथ उसके 400 आदमी भी हैं। जब याकूब ने यह सुना तो वह बहुत डर गया, चिंता करने लगा कि अब क्या होगा। इसलिए उसने अपने लोगों और भेड़ बकरियों, गाय बैलों और ऊंटों को दो दलों में बांट दिया। याकूब ने कहा, अगर एसाव एक दल पर हमला करे तो कम से कम दूसरा दल बचकर भाग सकता है। इसके बाद याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरे दादा अब्राहम और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तू जो मुझसे कहता है कि अपने रिश्तेदारों के पास अपने देश लौट जा और मैं हमेशा तेरा भला करूँगा, तूने अपने दास को अपने अटल प्यार और वफादारी का सबूत दिया है, जबकि मैं इसके काबिल नहीं था। जब मैं इस यर्दन नदी के पार गया था, तब मेरे पास सिर्फ एक लाठी थी, मगर आज मेरे पास इतना कुछ है कि इसके दो दल हैं। अब मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे मेरे भाई एसाव से बचा ले, क्योंकि मुझे डर है कि वह आकर मुझ पर हमला कर देगा, इन माओ और इनके बच्चों को भी नहीं बख्शेगा। तूने मुझसे कहा था, मैं जरूर तेरा भला करूंगा और तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, वह समुन्दर किनारे की बालू के किनको जैसा अनगिनत हो जाएगा। याकूब रात को उसी जगह ठहरा। फिर उसने अपने झुंड में से कुछ जानवर अलग किए, उन्हें अपने भाई एसाव को तोहफे में दे सके। उसने 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़े, 20 मेले, 30 ऊंटनियां और उनके बच्चे, 40 गायें, 10 बैल, 20 गधियां और 10 गधे अलग किए। उसने इन जानवरों के झुंड एक एक करके अपने दासों को सौंपे। उनसे कहा, तुम सब मुझसे पहले नदी के उस पार चले जाओ, एक झुंड से दूसरे झुंड के बीच कुछ दूरी का फासला रखो। उसने पहले झुंड को ले जाने वाले दास को यह आज्ञा भी दी,
अगर तुझे रास्ते में मेरा भाई एसाव मिले और तुझसे पूछे, तेरा मालिक कौन है, तू कहाँ जा रहा है और तेरे आगे आगे ये जानवर किसके हैं, तो तू उससे कहना, मैं तेरे दास याकूब के यहाँ काम करता हूँ। उसने ये जानवर मेरे मालिक एसाव के लिए तोहफे में भेजे हैं। वह खुद भी हमारे पीछे आ रहा है। याकूब ने दूसरे, तीसरे और बाकी सभी झुंडों को ले जाने वाले दासों को भी आज्ञा दी, जब एसाव तुमसे मिलेगा तो तुम भी उससे ऐसा ही कहना। तुम उससे यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे आ रहा है। याकूब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने सोचा, अगर मैं एसाव को पहले तोहफे भेजकर उसे खुश करूं, जब बाद में मैं उससे मिलूंगा, शायद वह मेरे साथ प्यार से पेश आए। फिर याकूब के दास उसके दिए तोहफे लेकर उससे पहले नदी के पार निकल गए। जबकि याकूब रात को वही डेरे में रहा, रात को कुछ देर बाद याकूब उठा और अपनी दोनों पत्नियों, दोनों दासियों और अपने 11 बेटों को यब्बोक नदी के उथले हिस्से से पार ले गया। उन सबको पार कराने के बाद वह अपना बाकी सारा सामान भी नदी के पार ले गया। जब याकूब अकेला था, तब एक आदमी आकर उससे कुश्ती लड़ने लगा, पौ फटने अर्थात सुबह तक लड़ता रहा। जब उस आदमी ने देखा वह याकूब को हरा नहीं पा रहा, तब उसने याकूब की जांघ के जोड़ को छुआ, इसलिए कुश्ती करते वक्त याकूब का जोड़ खिसक गया। इसके बाद उस आदमी ने याकूब से कहा, अब मुझे जाने दे, सुबह होने वाली है। मगर याकूब ने कहा, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। फिर उस आदमी ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब उस आदमी ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं इजराइल होगा। इजराइल का अर्थ है परमेश्वर से लड़ने वाला या हार न मानने वाला, या परमेश्वर लड़ता है, क्योंकि तू परमेश्वर से और इंसानों से लड़ा और आखिरकार जीत गया। आमीन। फिर याकूब ने उससे पूछा, क्या मैं तेरा नाम जान सकता हूँ? मगर उस आदमी ने कहा, तू क्यों मेरा नाम जानना चाहता है? फिर उसने याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस जगह का नाम पनीएल रखा, क्योंकि उसने कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा, फिर भी मेरी जान बख्श दी गई। जब याकूब पनीएल से आगे बढ़ा तो सूरज उगने लगा था। याकूब लगड़ा होकर चल रहा था, क्योंकि उसकी जांघ का जोड़ खिसक गया था। इसलिए आज तक इसराइली लोग जानवर की जांघ के जोड़ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस आदमी ने याकूब की जांघ के जोड़ का वह हिस्सा छुआ था जहां नस होती है। आमीन। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा, एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने लड़के वालों को अलग अलग बांट कर लिया, राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और आप उन सब के आगे बढ़ा, 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की, अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगा कर गले से लिप्त कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े, क्योंकि इतने वर्षों बाद दोनों भाई आपस में मिले थे। याकूब जो पद्दनराम से आया था, सो कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। भूमि के जिस भाग पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया, और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलेलोहे इसराइल रखा। आमीन। हालेलुया। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आप इस कहानी को देखकर आशीषित है। आपने देखा कैसे परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी। सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। आमीन। तो आप जुड़े रहें।
लगन मनी स्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की रोचक कहानियां और वचन सुनकर और देखकर अपने विश्वास को बढ़ाएं। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन।